अंडा इनका नाम होना चाहिए अनूप भांगरिया। अब नाम नहीं बोलना चाहूंगा। सुना आपने, केसरा ओवैसी सुल्तानपुर की नगर सीट से सपा प्रत्याशी अनूप संडा की खिंचाई कर रहे हैं। ओवैसी ने बंधे लफ्जों में समरीन का जिक्र करते हुए साफ कहा कि तीन तलाक का कानून अनूप संडा पर लागू नहीं हो रहा। वरना मोदी जी देखो वही तो कह रहे थे, मोदी जी क्या कह रहे थे, नरेंद्र मोदी मल्टीपल तलाक का कानून लाया। अब ये अनूप रंगीला पर ट्रिपल तलाक का कानून तो लागू नहीं होता, नहीं होता ना। यही तो हम बताना चाह रहे कि ऐसे प्रत्याशी को आप कैसे वोट देंगे। सुल्तानपुर जिला धीरे धीरे पूरे यूपी की सियासत का केंद्र बनता जा रहा है, तभी तो सभी पार्टियों के मालिक मुख्तार इस जिले का रुख कर रहे हैं। इसी कड़ी में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी सुल्तानपुर पहुंच गए, जहां उन्होंने नगर सीट से प्रत्याशी अकरम बेग और इसौली से प्रत्याशी मजहर हुसैन के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। जो अपने ही घर में वफा नहीं कर सका वो सुल्तानपुर की जनता से क्या वफा करेगा। वो तो इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मिर्जा अकरम बेग साहब को अपने वोट देकर कामयाब करिए, अपनी लीडरशिप को बनाइए। जो समाजवादी बसपा के लोग कहते हैं। दरअसल 21 फरवरी के रोज ओवैसी सुल्तानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने खुर्शीद क्लब में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान ओवैसी केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर बरसे। ओवैसी ने साफ कहा कि सभी पार्टियों ने सिर्फ मुसलमानों को ठगा है, लिहाजा अपनी पहचान बनाने के लिए अपना नेता चुनना होगा। कि आपको अपना नेता बनाना है, मुझे मत बनाइए, मैं नहीं बनना चाहता हूँ, ना मैं मंत्री बनना चाहता हूँ, ना कुछ बनना मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि आप सियासी तौर पर ताकतवर हो जाए। सुल्तानपुर के दरमियान से कोई एक मर्द मुजाहिद या कोई हमारी बहन उठे जो आपकी रहबरी कर सके, जो खादिम के तौर पर आपका काम कर सके। याद रखिए मेरी इस बात को, भारत की जमहूरियत की तरफ हकीकत यही है कि जिसका नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा। आपका नेता कोई नहीं है, आपने कभी सपा पर, कभी बसपा पर, कभी कांग्रेस पर भरोसा किया। अपने संबोधन के दौरान ही ओवैसी ने नगर सीट से सपा प्रत्याशी अनूप संडा को आड़े हाथों ले लिया। ओवैसी ने कहा कि अनूप संडा का नाम अनूप रंगीला होना चाहिए था। अनूप संडा इनका नाम होना चाहिए अनूप रंगीला। अब नाम नहीं बोलना चाहूंगा, वरना मोदी जी देखो वही तो कह रहे थे, मोदी जी क्या कह रहे थे, नरेंद्र मोदी मल्टीपल तलाक का कानून लाया। अब ये अनूप रंगीला पर ट्रिपल तलाक का कानून तो लागू नहीं होता, नहीं होता ना। यही तो हम बताना चाह रहे कि ऐसे प्रत्याशी को आप कैसे वोट देंगे जो अपने ही घर में वफा नहीं कर सका, वो सुल्तानपुर की जनता से क्या वफा करेगा। तो इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मिर्जा अकरम बेग साहब को अपने वोट देकर कामयाब करिए, अपनी लीडरशिप को बनाइए। जो समाजवादी बसपा के लोग कहते हैं। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि अनूप संडा जितना सपा में मशहूर नहीं है उससे कहीं ज्यादा AIMIM में मशहूर है। ओवैसी के पहुंचने से पार्टी के कार्यकर्ताओं को नई जान जरूर मिली है। ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिर ओवैसी की पार्टी इस बार सुल्तानपुर में क्या कमाल करती है। सुल्तानपुर से न्यूज टाइम नेशन के लिए मोहम्मद आसिफ दुलार के साथ अफजल खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।